आप भी मेरी तरह पोहे खाकर बोर हो गए हैं तो बनाइए पोहे के ये वाले वेजिटेबल कटलेट और उसके साथ बनाइए बढ़िया सी ग्रीन चटनी। जो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो में आपको ये वाली ग्रीन चटनी दिखेगी, तो जरूर ट्राई करें। एक बार ये पोहा का कटलेट बनाएंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा। बहुत ही क्रिस्पी करारे कटलेट बनते हैं पोहे के, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी हमको नहीं ऐड करने हैं, बहुत सारे वेजिटेबल ऐड करने हैं। दोस्तों हम बनाना स्टार्ट करते हैं पोहे के वेजिटेबल वाले हेल्दी कटलेट। वो ये ले लिए दोस्तों मैंने बहुत सारे वेजिटेबल, जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो, गाजर, शिमला, पत्ता गोभी, इवन आपको फूलगोभी पसंद है तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी सब्जी आपको पसंद है। पोहे को हमको धो लेना है बहुत अच्छे से, और उसमें पानी नहीं रखना है, कोई चलनी में निकाल कर रख देना है। तो आप देख सकते हैं कितने खुले खुले पोहे हैं। और अब हम बॉइल्ड पोटैटो ले लेंगे जिसको बहुत अच्छे से स्मैश कर देना है हमको। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर किसा हुआ, और ये चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, जो भी मसाले आपको पसंद हो, पाव भाजी का मसाला भी आप इवन ऐड कर सकते हैं इसमें। और ये हमने पोहे को ऐड कर दिया जो बिल्कुल खुले खुले है। पोहे में चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर सब ऐड करने के बाद, पनीर ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें रेड मिर्ची भी यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो ग्रीन मिर्ची भी यूज कर सकते हैं। हमको नमक और मिर्ची ऐड करके रख देना है 10 मिनट के लिए, और सब्जी का मॉइस्चर पूरा निकल जाना चाहिए, हमको बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं चाहिए, क्योंकि तभी हमारे कटलेट क्रिस्पी बनेंगे। और सारे मिश्रण को अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं अभी से कितने कलरफुल दिख रहे हैं, ये मिश्रण ही कितना प्यारा दिख रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और जीरा पाउडर। देखिए मिश्रण इतना ड्राई होना चाहिए तभी कटलेट अच्छे बनेंगे। आपने देखा होगा मिक्सचर कितना ड्राई है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके के कटलेट हमारे सारे बन जाएंगे। आप कटलेट को कोई भी शेप दे सकते हैं। स्टेज पर हम एक कटलेट बनाकर देख लेते हैं। तो देखा आपने, बढ़िया बन रही है। अब हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे हाथ में, और बारी बारी से सारे कटलेट जैसा भी शेप आपको पसंद हो, ओवल, स्क्वायर या गोल बॉल्स बनाने हो आपको, तो भी वो भी बन जाएंगे इसके, क्योंकि मिश्रण हमारा बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है और ड्राई भी है, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो देखा दोस्तों आपने कितने बढ़िया कटलेट बनकर तैयार हो गए हैं, कितने कलरफुल और दिखने में ही कितने टेस्टी दिख रहे हैं। अब हम कटलेट को तलना स्टार्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे कटलेट कितने क्रिस्पी और करारे बन रहे हैं, क्योंकि जो इसका मिश्रण है वो बहुत, उसका जो नाप है बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, तभी ये कटलेट इतने क्रिस्पी करारे बनेंगे। मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा तेज नहीं करना है, वरना कटलेट डालते साथ जल जाएंगे और अंदर से कच्चे लगेंगे। तो आप बहुत तरीके से इसको ऑयल का ध्यान रखकर तलिए, बिल्कुल भी ये टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही क्रिस्पी और करारे बढ़िया से बनेंगे। आप मेजरमेंट एक्चुअल बराबर लेंगे तो कोई भी कटलेट आपकी नहीं टूटेगी। बारी से इस तरीके से आप सारे कटलेट को तल लीजिए। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बने हैं। कोई भी गेस्ट आते हैं तो आप ये बना सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत इजी वे में बन जाते हैं, बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। रेसिपी अगर पसंद आए तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मुझे पूरा यकीन है आपको इसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि पोहे का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। हम खाली प्याज आलू डालते तो भी वो इतने टेस्टी दिखते हैं। और पोहे का नाश्ता तो हमारा हफ्ते में 3 दिन वाला नाश्ता है,
तो आप एक बार ये ट्राई जरूर कर सकते हैं। कटलेट हमारे एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। गर्मा गर्म कटलेट को चटनी के साथ सर्व कीजिए।